चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकी देने का मामला, नायब अमीर TLP समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत और फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल की गई हैं। नायब अमीर TLP पीर ज़हीर उल हसन शाह ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मजीद जानते हैं आबिद चौधरी, नुमाइंदा 24 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ज़रिए के मुताबिक बताया जा रहा है कि TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ थाना कलर उदय सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद ने दहशत गर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल की है, जबकि आला अदलिया को धमकियां देने, कार सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात भी शामिल की गई है। FIR मतलब में कहा गया है कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और TLP अमीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर लाने वालों को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया था। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारखान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गुजश्ता रोज पुलिस की जानब से प्रेस क्लब के बाहर से भी मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इस वाले से पुलिस के कहना है कि SHO हमाद शाह की मुकदमा दर्ज करके बहुत शुक्रिया अभी हमें तफसील नागा करने के लिए।